केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली का गिफ्ट दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जो है 5% बढ़ा दिया है। कर्मचारियों को 1 जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। तो दीपावली गिफ्ट कह सकते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के। मोदी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया है, 5% डीए जो है वो बढ़ाए जाएंगे केंद्रीय कर्मचारियों को, और साथ ही साथ पेंशनधारी जो है उन्हें भी लाभ दिया है मोदी सरकार ने। तो दीपावली से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये जो सरकार का फैसला है वो केंद्रीय कर्मचारियों के बीच खुशी लेकर आया है। 1 जुलाई से बढ़ा हुआ डीए जो है वो मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को, और डीए जो है वो 5% उसमें इजाफा किया गया है। बड़ी और अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया है, दीपावली से पहले अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके डीए जो है उसमें इजाफा किया है, 5% बढ़ोतरी की गई है, और 1 जुलाई से ये जो वृद्धि की गई है वो मिलेगी। निर्णय हुए और सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत एक खुशी की खबर है कि इस बार महंगाई भत्ते का जो महंगाई भत्ते से जुड़ा जो डियरनेस अलाउंस है डीए में 5% हुई है। पिछले अनेक सालों में 2 या 3% ही ग्रोथ होती थी, इस बार लगभग 16,000 करोड़ रुपए इसके एवरेज में दिए जाएंगे और इसका फायदा लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख जिनको पेंशन मिलता है उनको मिलेगा।